जाएगा। मेरी भी तो इतना अच्छा गाते थे वो, इतनी अच्छी आवाज होती तो लोग समझते थे मैं ही गाना गाता हूँ। और वो जितने गाने उन्होंने मेरे लिए गाए सारे के सारे टोटल गाने हिट हुए। ये एक बड़ी अच्छी मेरे लिए एक बहुत बड़ी यानी आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी एक ताकत गाने की भी हुआ करती थी जो वो गाया करते थे। तो रफी साहब ने जितने भी गाने गाए मेरे लिए सब बहुत बहुत हिट हुए। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। बाबुल की दुआएं लेती जा, उसमें एक्चुअली डैडी ने वो गाना में एक्चुअली रियली रो दिए थे क्योंकि, और रवि साहब ने, रवि साहब की म्यूजिक थी इसमें, तो उन्होंने फर्स्ट टेक पे ही ओके कर दिए थे। तो उन्होंने पूछे मेरे मामू से कि बोले यार रवि साहब तो वाकई रो दिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी और उसी वक्त विदाई हुई थी। डैडी ने विदाई के टाइम पे रोए नहीं थे लेकिन ये गाना गाने वक्त उन्होंने वाकई में मतलब आंसू आ गए थे उनके और वाकई रो दिए थे गाने पे। तो वो गाना एकदम मतलब नेचुरल हो गया था वो, तो इसीलिए मतलब लोगों को ज़्यादा पसंद भी आता वो गाना। और दूसरी बात ऐसी थी कि मतलब जब भी डैडी वॉज वेरी गॉड फियरिंग, ही वॉज वेरी गॉड फियरिंग, तो कुदरती देन थी उनकी। वो खुद कहते थे ऐसा होता था कि मतलब जैसे कभी रिकॉर्डिंग होती थी तो कभी कोई कह देता था कि रफी साहब क्या गाना गाया आपने, तो डैडी ऐसे कहते थे मतलब वो उंगली उड़िया दी थी कि मतलब ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले की देन है बस। बहुत पेशेंस, इतना पेशेंस था उनकी अदायगी बापना बोलने की भी जो स्टाइल थी बड़ी नरम थी, बहुत नरम थी जी। तो मैं सुनाऊं आपको उनके बोलने की स्टाइल है जी, मेरे ख्याल से मैं ही जानता हूँ और कोई भी सुना है जी। तो बोलते थे ऐसे, अल्लाह किधर गए, कब आए, वाह वाह वाह, अच्छा, मतलब कोई उनको टेंशन वाली बात सुना दो, अल्लाह कैसे हुआ, अच्छा, तो ऐसे बात करते थे। मेरे को अपना शाहिद करके बुलाते थे या तो फिर शाह करके, जैसे प्यार से अपने शॉर्ट फॉर्म, तो ऐसा शाह या मतलब ही वो सो सॉफ्ट, लेकिन कभी कभी यहाँ आओ भी सुनाई नहीं देता लेकिन जब वो एक बार शाह बोलते थे तो समझ गए कि डैडी बुला रहे हैं।
तो जा देते फिर। देखो सुनो, मैंने एक गाना गाया आज, देखो बैठो बैठो, सुनाता हूँ मैं क्या गाना गाया। तो ऐसा करके वो अपने इतने ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो मतलब कभी कभी हम लोग कान लगाना पड़ता है डरी और क्या बोल। सावन लगा मचल गए बादल, सावन लगा मचल गए बादल, कौन हुआ दीवाना। दीवाना मत थाना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बहार आई हो, जाने कहाँ होके बहार आई हो। सब गाने फेवरेट है उनके। तो अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि अपने उनके आप बताइए कि मैं अगर कहूंगा कि मतलब ये गाना अच्छा है तो आप कहेंगे नहीं ये भी गाना अच्छा है, और फिर मैं कहूंगा नहीं ये भी गाना अच्छा है, तो मतलब जरा ऐसे निकलते निकलते हजारों गाने निकल जाएंगे। तो फिर फेवरेट तो खैर ऑल हिज सॉन्ग्स वर वेरी गुड, दे वर ग्रेट लैंडमार्क्स। मतलब एक गाना आप मेरे को बता दीजिए कि रफी साहब ने कोई गाना ऐसा है जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने तो नहीं सुना अभी तक, तो आई रियली डोंट नो, शायद वो अल्फाज नहीं बना है कि जो उनकी तारीफ में खरा उतर सके। फिर भी बकौल गालिब साहब के शेर मुझे याद आ गया कि हजारों साल नरगिसी अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वैसे रफी साहब का है कि ऐसा लगता है रफी साहब ने सिर्फ रफी साहब हमारी आंखों से ओझल हुए हैं, लेकिन आज भी करोड़ों सैकड़ों चाहने वालों के दिलों में वो उनकी धड़कन बन के जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ मेल सिंगर्स में वह पूरी तरह मुकम्मल गायक अगर किसी कह सकते हैं तो रफ़ी साहब थे, और बस रफ़ी साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई, मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया क्या भला कह गया, बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, सराबा से आओ चले आ जाए, सराबा साओ तुझे महलों ये तख्तों ये ताजियों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।